आपकी बेटी ने पत्र भेजा है। हाँ भैया खाली खबर इसमें दस्तखत कीजिए। विद्या सिग्नेचर का मैं जानती हूँ। लाल विद्या सिग्नेचर करने वाले काम अभी हमको घर घर जाकर पत्र देना है। हमारी नौकरी है सरकारी, समझ जाना है। आप पढ़े लिखे शाम पढ़े लिखे लगातार जल्दी पढ़ दें। शाम को आएंगे आपका पत्र हम पढ़ देंगे। भैया उनको भैया कहाँ जाता है भैया कहाँ जाता है भैया तनिक देखा काली खेबा हमारी भैया बम्बई पता नहीं काली के भेजे भैया तनिक बताए जा भैया। अरे भैया अस्पताल बाद बादम चला जाबे तनिक पता है का लिखब है में बहुत जरूरी है। केता भैया पता नहीं का लिखब है में तो कुछ समझ में ना आवत पढ़े लिखे था ही ना है भाई बात ये भेजा है कैंसर संख्या को और आपको वैसे बहाना बताता। अगर पढ़े लिखे हो तो उनका कुछ है कि ना पढ़त के उसे तो पढ़े लिखे ना है भगवान बहुत बड़ी गलती कही है। दिन देखक पड़ता है भैया भैया कहाँ जाता है भैया बेचारा बाल में जावे तनी देख रही काली खावा दूजे ने कह पता नहीं का लिखा है मैंने उसको कुछ समझ में आता नहीं पढ़े लिखे ही नहीं आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हो पढ़े लिखे भैया बताए जा रहे हैं भैया ऐसे दिन करो ए भैया गरीब के ऐसे बात ऐसे दिन करो भैया पठान हे भगवान का दिल देख पड़ा था सब जने चला जाता है हम पढ़े लिखे लगा था कलम काफी बादम खरीद सकत है पहले देख ला तू तीन जने चला गए क्यों ना बताए भैया तू तो बताए गा तू पढ़ा लिखा लगा था भैया ऐसे दिन कर मान लो माफी वही पर वो बता दी बता दी भैया कहाँ मिलेगी पढ़ा जी उसके मालिक मारे पढ़े लिखे तो है नहीं जल्दी
चला निकाल दो बस चला चला बाहर। प्रधान जी नमस्ते। प्रधान जी देखिए पता नहीं क्या मेरे लिए की बेटी लिख के भेज दी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, पढ़े लिखे पता नहीं। आपकी बेटी ने 2000 रुपया भेजी है। हाँ बाद में कपड़ा ले लो, इसको कपड़ा ले लो अपने अपने बेटे खातिर। हाँ आप में तो पैसा नहीं है। नहीं भैया अगर वो ही पढ़ने लगेगा तो खेत में काम कौन करेगा भैया? इसको पढ़ाओ या आप पढ़ा, इसको पढ़ाते लेते तो आप इसी करते। अरे भैया उसको खेत में काम करना बहुत जरूरी है, अगर वो खेत में काम नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा भैया? भैया इतना पैसा ना आएगा नाम लिखवाओगे सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में पैसे ना लगे? साल में 1200। अच्छा चलो स्कूल को मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते मास्टर साहब, हमारे बेटे का नाम लिख दीजिए, हमारी बेटी पैसा दे दी है, मेरे बेटे का नाम लिख दीजिए। अरे यहाँ पर पैसा नहीं लगता है। अरे भैया पैसा दे दे तो कुछ हो गया भैया, फ्री में पैसा ना लगे? तो भैया कुछ कर दीजिए। देखिए हमारा नाम है प्रियांशु पटेल, घर का नाम प्रियांशु पटेल। भैया देखिए मेरा बेटा खेत में काम करता है। अरे भैया का बताइए, अगर खेत में काम ना करोगे तब ये इतना बेकार चलता, और हम खुद पढ़े लिखे हैं ना ही। अब भैया इन्हू सब खेत में काम ना करी तो खेत में कैसे होए अनाज? ये क्या देगा भैया? हमारी बेटी 2000 रुपया भेजिए तो उसके फॉर्म भर के लाए हैं, तो आप इसका नाम लिख दीजिए। नाम लिख दिए भैया, तो इसको बता दीजिए पढ़ने लिखने यहाँ पर आया करिए रोजाना। और कुछ सर पैसे से नहीं मिलते हैं? एक फॉर्म दे रहा हूँ, एक साल में उसका ड्रेस। अब भाई सर जी हम इनका कहो न रोका घर है, इनका रोज भेजे पढ़े खातिर, और खेते में काम करे गिन जाए ठीक बा? स्कूल तो का प्रतिदिन आवे का है। चलो